तो दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दूर दराज से यहां तशरीफ लाए और ऐसे लगता है कि आज सारा आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे यहां मुजफ्फराबाद में उमड़ आए हैं और ये मेरी हौसला अफजाई भी है। और यकीनी तौर पे मैं आज सिर्फ किसी रियासत का नहीं, किसी सूबे का नहीं, बल्कि आज़ादी के बेस कैंप के सदर का मैंने हलफ उठाया है। और इससे ये मुझे चीज़ याद कराती रहेगी कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह कश्मीर की आज़ादी है, कि मैं मसला कश्मीर को बैनुल अक्वामी सतह पर उठाऊंगा। और सदर मसूद साहब ने भी मेरे से वादा किया है कि उनका बड़ा एक वसी तजर्बा है कि वो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। ये अगस्त का महीना है और आज से ठीक 2 साल और 20 दिन पहले मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने के लिए भारत ने आर्टिकल 370 और 350A को एब्रोगेट किया। लेकिन मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आप पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि भारत वहाँ पर जबर के ज़रिए, दरिंदगी के ज़रिए वहाँ पर जो 1.5 करोड़ कश्मीरी आवाम है उनको दबाना चाहता है। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप आज़ादी के बेस कैंप से आवाज़ उठेगी और भारत नहीं दबा सकेगा इंशाल्लाह। आज भारत को भी बताना चाहता हूँ कि वो अफगानिस्तान के हालात से सबक सीखे कि कोई मुल्क जबर के ज़रिए, कोई मुल्क दरिंदगी के ज़रिए दूसरी कौम को ज़्यादा देर दबा नहीं सकता। मैं आज़ाद कश्मीर का 5 साल वज़ीर आज़म रहा, मैं आज़ाद कश्मीर का 5 साल कायदे हिज़्बे इख़्तिलाफ़ रहा और ये अल्लाह ताला की ख़ुसूसी अनायत है। आप लोगों की एक मुझसे मोहब्बत है और कहते हैं हुकूमत होना भी बड़ी बात है, लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत करना सबसे मुझे आप लोगों ने अल्लाह ताला के फजल व करम से सदर के मनसब पर बैठाया है। इंशाल्लाह मैं इस ओहदे के साथ भी भरपूर इंसाफ करूंगा। जहां कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखूंगा, वहां पर आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाने के लिए, आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए भी अपना भरपूर करदार अदा करता रहूंगा। आज़ाद कश्मीर में बेशुमार पोटेंशियल्स हैं। यहाँ पर हाइड्रो भी है, सियात भी है, प्रेशियस स्टोन्स भी हैं, दीगर बेशुमार चीज़ें हैं। और हम इंशाल्लाह ये हमारी आने वाली हुकूमत ये कोशिश करेगी कि हम आज़ाद कश्मीर को इक्तसादी तौर पर खुद कफील करें। जो आने वाली हुकूमत को मेरा मशवरा है कि वो 6 माह के अंदर अंदर पूरी करने की कोशिश करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो और वो
उसी सूरत में हो सकेगा जबकि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन कराए जाए। तो मुझे यकीन है, मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला 6 माह के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होंगे। उसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बेशुमार लोग जो हमारा ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरा है उनके नुमाइंदे भी आज यहाँ इस हलम में खसूसी तौर पर आए हुए हैं। इसलिए मैं ये असेंबली के तमाम स्टेक होल्डर्स से कहूँगा कि ओवरसीज कश्मीरियों को वोट का हक दिया जाए और इसके लिए जो आखिरी बजट स्पीच हुई थी उसमें मैंने तजवीज़ दी थी और उस वक़्त के कायदे अवान ने उस पर तायद की थी, लेकिन कमी वक्त की वजह से हम पिछले इलेक्शन में कश्मीरियों को वोट का हक नहीं दे सके थे। तो अब जबकि मैं ये कहूँगा कि मसला कश्मीर को सबसे ज़्यादा जो हमारे बैरून मुल्क कश्मीरी हैं बिलखसूस बरतानिया, अमेरिका और यूरोप और दीगर जगहों पे उन्होंने ही उठाया हुआ है, और जब उनको आज़ादी के बेस कैंप में वोट का हक होगा तो उस वक़्त वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, आज़ाद कश्मीर के मामलात में भी इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए मैं मौजूदा कायदे वान कायदे इख्तलाफ और तमाम मेम्बरान से कहूँगा कि इस पर लेजिस्लेशन करके ओवरसीज़ कश्मीरियों को जो वोट का हक है वो दें। और आखिरी बात, जब मैं इक्तदार निचली सतह तक देने की बात करता हूँ तो सिर्फ बल्दियात नहीं, हमने इक्तदार नौजवानों तक पहुँचाना है, हमने इक्तदार ख्वातीन तक पहुँचाना है। तो मैं ये कहूँगा कि असेंबली पाकिस्तान और वहाँ के सूबों के तनासब के लिहाज से ख्वातीन की असेंबली में सीटें फौरी तौर पर बढ़ाए ताकि ख्वातीन की नुमाइंदगी करते हुए बेहतर तौर पर काम कर सकें। तो मैं आखिर में आप तमाम साथियों का, दूर दराज से आने वाले साथियों का, और आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और आज़ाद कश्मीर से करप्शन गुरबत के खात्मे के लिए काम कर सकें। बहुत मेहरबानी।